नमस्कार दोस्तों, मैं मनु भारद्वाज आपका जीटी फीचर टेक्नोलॉजी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज KTM ड्यूक लॉन्च हो गई है और जो इस KTM ड्यूक का वर्जन आया है वो अपग्रेडेड वर्जन है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी KTM ड्यूक के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये एक अवार्ड विनिंग बाइक है और पिछले कई वर्षों से ये अपने क्षेत्र में अवार्ड जीती भी आ रही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका अपग्रेडेड वर्जन पुराने वर्जन से क्या अलग है। जो आज KTM की तीन बाइक लॉन्च हुई है उनमें प्रमुख है 200cc KTM ड्यूक विद 25 PS, 250cc KTM ड्यूक विद 30 PS एंड 373cc KTM ड्यूक विद 43.5 PS। ये तीनों बाइक देखने में बहुत ही सुंदर है, अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक है जो पिछली बाइक से अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों, इस टाइम आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर तीन बाइक है जो 200cc, 250cc और 373cc KTM ड्यूक जो आज लॉन्चिंग के मौके पर देखी गई। दोस्तों, KTM 390 ड्यूक में वही विशेषताएं दी गई हैं जो सुपर ड्यूक में दी गई थी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, सुपर ड्यूक 1290cc की बाइक की जो विशेषताएं हैं वो इस 390 ड्यूक में आपको मिलेगी। दोस्तों, क्वालिटी के मामले में ड्यूक का कोई मुकाबला नहीं है। माना कि ये प्राइस में थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इसका मुकाबला करने वाला शायद ही इंडिया में कोई बाइक है। इस टाइम आप जो आप देख रहे हैं वो वीडियो में आपको KTM 390 ड्यूक का फ्रंट और साइड दोनों में आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, क्लोज लुक 390cc ड्यूक, 250 ड्यूक, और आप देख भी सकते हैं कि ये 2016 से इसका बिल्कुल डिफरेंट मॉडल आया है जो मैं भी आपको स्पेसिफिकेशन में बताने वाला हूँ। ये देखिएगा, KTM 390 ड्यूक की जो सबसे पहली विशेषताएं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा वो है राइड बाय वायर। राइड बाय वायर एक रैपिड थ्रोटल रिस्पॉन्स है जो हल्के से पुश से ही आपको एक कंट्रोल पावर डिलीवरी देगा बाइक को। कहने का मतलब यह है कि हल्का सा एक्सीलेटर देने पर बाइक मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगी। दोस्तों, KTM 390 ड्यूक की अगर हम दूसरी विशेषताएं लें तो उसमें प्रमुख है LED हैंडलैम्प। कहने का मतलब यह है कि जो इसकी LED हैंडलैम्प है सो स्प्लिट करा गया है और इसका जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है सुपर ड्यूक से, यानी सुपर ड्यूक की विशेषताएं इस बाइक के अंदर दी गई हैं। और ये जो LED हैंडलैम्प है इसमें 20 LEDs का यूज़ करा गया है ग्रेटर एल्यूमिनेशन के लिए और विजिबिलिटी के लिए। और सबसे इसकी प्रमुख बात यह है कि इसकी बैटरी कंजप्शन बहुत ही लो है। अगर हम KTM 390 ड्यूक की तीसरी विशेषताओं के बारे में बात करें तो आता है TFT डिस्प्ले जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके अंदर एक एम्बिएंट लाइट एडेप्टिव सेंसर भी दे रखा है जो भारी वातावरण के अनुसार अपनी लाइट को घटाता और बढ़ाता रहता है। ये आमतौर पर वही टेक्नोलॉजी है जो आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो इसमें आता है चेंज इन कलर, यानी एट हाई रिवर्स इसमें कलर डिस्प्ले चेंज होता रहता है, यानी मोटरसाइकिल की स्पीड के साथ साथ इसके डिस्प्ले का कलर भी चेंज होता रहता है। माई राइड फोन कनेक्टिविटी वाया ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ से आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो सारे कंट्रोल हैं इसके ये हैंडल बार में प्रोवाइड करे गए हैं। चौथी विशेषताओं में आता है साइड स्लंग एग्जॉस्ट। ये जो साइड स्लंग एग्जॉस्ट दिया गया है देखने में बहुत ही सुंदर है, बाइक को एक बिग लुक प्रोवाइड करता है। सेंट्रलाइज मास है और क्लीनर एमिशंस हैं। पांचवी विशेषताओं में आता है स्प्लिट फ्रेम, जो एक लाइटवेट स्टील ट्रेलिस फ्रेम इसमें दिया गया है जो देखने में भी बहुत अच्छा है, मजबूत फ्रेम लगता है। छठी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया एडजस्टेबल लीवर्स। ये एडजस्टेबल लीवर इसलिए दिया गया कि ये डिफरेंट हैंड साइज के लिए एडजस्ट कर सके अपने आप को, या ग्लव थिकनेस, आपने ग्लव पहन रखा है उसकी थिकनेस की वजह से जो स्ट्रेसेस आते हैं उसको ये मिनिमाइज करता है। तो ये एडजस्टेबल लीवर एक अच्छा अपडेट है इस बाइक के अंदर। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है जो रिलेटेड है सस्पेंशन से। इसके अंदर ओपन कार्ट्रेज अपसाइड डाउन सस्पेंशन प्रोवाइड कराया गया है जो आपको एक इम्प्रूव्ड राइड क्वालिटी देता है और साथ के साथ लीकेज से भी बचाता है। इसके सस्पेंशन की हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस अपग्रेडेड वर्जन के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो उसमें आता है स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड बाइक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत इजीली क्लच को चेंज करता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बाइक पर हमारा एक बेटर कंट्रोल देते हैं। अगर हम इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो जो फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं वो 320mm के हैं जो प्रीवियस वर्जन से 20mm ज़्यादा हैं।
जो इसमें KTM ड्यूक 390 में फ्यूल टैंक दिया गया है वो 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो प्रीवियस वर्जन से 3.3 लीटर ज़्यादा है। अगर हम इसके रियर व्यू मिरर के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वाइडर दिया गया है प्रीवियस वर्जन से। यूवी रेजिस्टेंस पेंट दिया गया है, कॉन्टेक्टलेस क्रैंकिंग दी गई है, EVAP टेक्नोलॉजी दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ये सारी विशेषताएं जो हमको KTM ड्यूक 390 में देखने को मिली हैं, ये इसको एक प्रीमियम सेगमेंट बाइक बनाती हैं। अगर हम इस KTM 390 ड्यूक को अदर बाइक के साथ कंपेयर करें तो उसका डिजाइन स्ट्रीट फाइटर वाला है, डिस्प्लेसमेंट 373 cc है, पावर रेशियो जो दे रखा है इसमें है 267 PS पर टर्न, ट्रेलिस फ्रेम दे रखा है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, USD फ्रंट फॉक्स है, राइड बाई वायर है, ABS सिस्टम है, TFT डिस्प्ले है, LED हेडलाइट्स है, और सबसे मेन चीज इसमें है स्लीपर क्लच। नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं, वो है KTM 250 ड्यूक। KTM Duke 250 के दो मॉडल दिए गए हैं, एक जो मॉडल है वो ऑरेंज कलर का है और दूसरा मॉडल वाइट कलर का है, और दोनों कलर बहुत ही सुंदर हैं। आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करें, दोनों कलर फैंटास्टिक कलर की श्रेणी में आते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप साफ देख पा रहे हैं जो सेकंड बाइक है वो आपकी KTM 250 Duke है। अगर हम इस KTM 250 Duke के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये 250 cc बाइक है, 30 PS पावर है, 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, सुपर ड्यूक स्टाइलिंग है, प्रीमियम फीचर्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें टू कलर्स आते हैं। अगर हम इस KTM 250 Duke की पहली विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये आता है सुपर ड्यूक स्टाइलिंग। ये बिल्कुल सुपर ड्यूक स्टाइलिंग वही स्टाइल है जो 390 में दिया गया है, यानी कि ये सुपर ड्यूक से कॉपी करा गया है, यानी उससे इंस्पायर्ड हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें ड्यूल कलर फ्रेम दिया गया है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अंदर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है जो बहुत ही लाइट वेट है, ओपन कार्टेज USD सस्पेंशन है जस्ट लाइक ऑफ 390 ड्यूक, साइड स्लंग एग्जॉस्ट है, ये भी बिल्कुल 390 की तरह है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दे रखा है जो बहुत ही लाइट वेट है, एंड इट इज रिजिड फॉर एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ये तीनों बाइक को मैं इस टाइम दिखा रहा हूँ जिसमें 200 cc है, 250 cc है और 390 cc है। और लास्ट इंपॉर्टेंट विशेषता इसमें आती है, वो है स्लीपर क्लच। ये वही स्लीपर क्लच है जो 390 में भी दिया गया है। अगर हम इसे अदर बाइक के साथ कंपेयर करें तो इसकी जो ओरिजिन है वो यूरोपियन है, डिज़ाइन जो है वो अगेन स्ट्रीट फाइटर है, डिस्प्लेसमेंट 250 cc है, पावर 30 PS है, पीक टॉर्क 24 न्यूटन मीटर का है, पावर वेट रेशियो इसका 186 PS पर टन है, स्लीपर क्लच दिया गया है, मल्टी फंक्शन कॉकपिट दिया गया है, ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दिया गया है, और USD फ्रंट फॉक्स दिया गया है। चलिए अब चलते हैं KTM 200 ड्यूक की तरफ। ये आप देख रहे हैं KTM 200 ड्यूक, दिस इज KTM 200 ड्यूक। ये आप देख सकते हैं कि ये 2016 और 17 में कितना अंतर आ गया मॉडल में। अगर हम KTM 200 ड्यूक के बारे में बात करें तो फ्रेश ग्राफिक्स हैं, 3 कलर्स हैं, ऑरेंज व्हील्स हैं और BS 4th कंप्लेंट है। इस KTM 200 ड्यूक की विशेषताएं भी प्रीवियस बाइक से मिलती जुलती है, जिसमें ट्रेलिस फ्रेम हो गया, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, डिजिटल कॉकपिट है, अंडरबेली एग्जॉस्ट है और रियर मोनोशॉक बाय WP इसके अंदर अवेलेबल है। अगर हम इस KTM 200 ड्यूक को अदर बाइक के साथ कंपेयर करें तो इसका ओरिजिन यूरोपियन है, डिजाइन स्ट्रीट फाइटर है, डिस्प्लेसमेंट 200 cc है, पावर 25 PS है, पावर रेशियो इसका 169 PS पर टन है, ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है और USD फ्रंट फॉक्स है। अब मैं आपको तीनों बाइक के
मेन डिफरेंस बताता हूँ कि तीनों बाइक में एक्चुअली में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि KTM 250 ड्यूक और KTM 390 ड्यूक में जो चीज़ कॉमन है वो है सुपर ड्यूक स्टाइलिंग, स्लीपर क्लच, स्प्लिट फ्रेम, साइड स्लंग एग्जॉस्ट, ओपन कार्ट्रिज यूएसडी सस्पेंशन और लार्ज स्टील फ्यूल टैंक जो 13.5 लीटर का है, जो इन दोनों बाइक में कॉमन है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो खाली जो आपको 390 ड्यूक में मिलेगा, और वो है राइड बाय वायर TFT डिस्प्ले विद माई राइड, LED हेडलैम्प और ABS विद बिगर फ्रंट ब्रेक डिस्क जो 320mm के हैं। ये खाली आपको KTM 390 ड्यूक में ही मिलेंगे। इन तीनों बाइक में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं और वो है ट्रेलिस फ्रेम, यानी ट्रेलिस फ्रेम ही तीनों बाइक के अंदर कॉमन है जो आपको मिलेगा। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, ये भी कॉमन है तीनों बाइक के अंदर। और तीसरा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है न्यू इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज पेंट, यानी तीनों बाइक के अंदर न्यू इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज पेंट आपको मिलेगा। अगर हम ड्यूक 200 की कीमत के बारे में बात करें तो एक्स शोरूम दिल्ली का जो प्राइस है वो है 1,43,500 रुपीज़। अगर हम ड्यूक 390cc के बारे में बात करें तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,25,730। और अगर हम ड्यूक 250 के बारे में बात करें तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का वो है 1,73,000। तो इन तीनों बाइक का मैंने आपको प्राइस बताया है। तो ये तीनों बाइक मेरे हिसाब से अपनी सेगमेंट की प्रीमियम बाइक हैं। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हैं और अब तक मेरे से नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन जो वीडियो के नीचे अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।